दोस्तों आपको अपने चैनल विचार दिनेश में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक ये CF कितना दिया है? 14। और इसका लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला बताया गया है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच क्या संबंध होता है। पहली संख्या तो हल करिए दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके है दोस्तों? मासा, मतलब मा स एच सी एफ गुणे लासा। लघुत्तम समापवर्तक मतलब दोस्तों LCM के। तो पहली संख्या कितनी हुई है दोस्तों? 14। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी? 14 हो गई गुणे दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? 28 गुणे 28 बराबर महत्तम समापवर्तक LCM कितना हुआ है दोस्तों? 14। तो कितना हुआ दोस्तों? 14 गुणे LCM कितना दिया है? ला सा हमको ज्ञात करना है। ला सा देखिए दोस्तों, जो गुणे में एक दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागे में तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 गुणे 28 यदि 14 LCM के साथ ला सा के साथ गुणे में है तो यहाँ आएगा पूरा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बटे में 14 बराबर ल स। जो दोस्तों कट रहा है उसे क्या करिए, कट कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 एक आ गया, नीचे भी एक आ गया, तो क्या बचा है दोस्तों? देखिए अभी क्या बचा है, ल स बराबर कितना आ गया? सिर्फ 28। 28 का गुणा एक नहीं होगा तो 28 बट भाग एक देंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 28 ही। तो ल स हमारा कितना आ गया दोस्तों? 28। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है दोस्तों? 3 × 10.03 × 0.03 × 0.30 बराबर है। तो इन सबका गुणा किसके बराबर है? तो चलिए दोस्तों पहले लिखते हैं हल। क्या दिया है? 3 × 0.03 × 0.03 × 0.30। देखिए दोस्तों कि आप कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, अगर उसमें कोई संख्या जीरो दे देता है तो उस संख्या में गुणा करने तो पूरी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों? जीरो हो जाती है। इसका मतलब चाहे जितनी भी बड़ी संख्या रहे अगर उसमें हम जीरो का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर गुणा करेंगे देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 × 10.03 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों गुणा करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या का अगर जीरो से हम गुणा कर देंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। इसलिए पूरी संख्या को क्या हो गया? जीरो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मेरा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। 3/8 भागे कोष्टक में 5/3 माइनस 1/6 कोष्टक बंद प्लस 5/8 बराबर है। तो आपको इसको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों देखिए हल करते हैं। 3/8 भागे ब्रैकेट में 5/3
माइनस एक बटा छ प्लस पाँच बटा आठ। तो इसमें बच्चों तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास। तो सबसे पहले क्या टूटता है बच्चों, ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट का बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास बी से क्या होगा दोस्तों, ब्रैकेट उसे ऑफ डी से। देखिए इसमें क्या है, बी पे बोर्ड मास, तो बी जो है पहले ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों पांच बटा तीन माइनस एक बटा छह, इसको पहले तोड़ेंगे, तीन बटा आठ ऐसे ही रहेगा, भागे दोनों का क्या लेंगे दोस्तों, लसम, तीन और छह का लसम कितना आएगा छह। अब इसमें तीन का भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, तीन दुने छह, तो दो हो गया, दो का ऊपर गुणा हो गया तो पाँच दुने दस माइनस छह का भाग छह में देंगे तो एक और एक में एक का गुणा हुआ तो कितना आएगा एक ही, प्लस पाँच बटा आठ। वहां देखिए क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, तो कितना हो जाएगा तीन बटा आठ भागे नौ में से दस में से एक जाएगा तो कितना आएगा तीन बटा छ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, कितना दिया है तीन बटे आठ भागे पांच बचे तीन माइनस एक बटा छह प्लस पांच बटे आठ बराबर है। तो इसमें हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए हल करते हैं। तीन बटा आठ भागे पांच बटा तीन माइनस एक बटा छह प्लस पांच बटा आठ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले इसमें हम क्या यूज करेंगे, बोर्ड मास ए एस। तो सबसे पहले क्या तोड़ लेंगे दोस्तों, ब्रैकेट, फिर डी से क्या होगा दोस्तों, ब्रैकेट ओ से ऑफ मतलब का डी से डिवीजन, मस्त एम से क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। तो क्या तोड़ेंगे सबसे पहले, ब्रैकेट। तो सबसे पहले चाहिए दोस्तों ब्रैकेट टूटते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट टूटता है तीन बटे आठ भागे दोनों तीन और छह का एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों छह, तीन में छह का भाग छह में तीन का भाग देंगे तो दो हो जाएगा, दो में पांच का गुणा होगा दो बचे दस माइनस छह के छह तो एक हो गया प्लस पांच बटा आठ बराबर तीन बटा आठ भागे दस में से एक जाए कितना आएगा दोस्तों नौ बटा छ प्लस पांच बटा आठ। देखिए बोर्ड मास हो गया, ब्रैकेट हो गया, ऑफ मतलब का है ही नहीं, डी से अब क्या होगा दोस्तों डिवीजन। तो पहले हम इसको हल करेंगे, डिवीजन तीन बटे आठ में कितने का भाग देना है नौ बटे छ, तो क्या करेंगे दोस्तों भाग देने के लिए इसको हम इसका अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो कितना होगा तीन बटे आठ गुड़े छ बटे नौ गुड़ा होगा, अंश का हर हो जाएगा हर का अंश हो जाएगा, तो बीच में चिन्ह क्या होता है तो बदल जाता है प्लस पाँच बटे आठ जो कटना कर दीजिए तीन के तीन तीन त्रिका नौ दो दुनी दो तीन छ फिर इसको दो से काट लिए दो छः आठ फिर तीन से इसको कट कर दिए तीन के तीन तीन के तीन तो कितना बचा है दोस्तों एक बचा है एक बुढ़े तो कितना होगा एक अब चार बचा है तो चार रख के चार प्लस पाँच बटा आठ देखिए इधर कितना है एक बटा चार धन पाँच बटा आठ दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आता है आठ चार का भाग दिए चार के चार तो कितना आ गया दो दो का गुणा एक साथ हो जाएगा तो दो के दो धन आठ के आठ तो यहाँ पे कितना आ गया पाँच कितना बचा दो पाँच कितना हो गया सात रुपये आठ ही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर कौन सा देखिए कौन सा आंसर सही है उसमें हमारा तो ऐसा आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।